हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब के ABS स्टडी पॉइंट चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मेटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकॉस्टिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोलॉजी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी पालन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्टियोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन विकास के विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्पों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओफियोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वीकल्चर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगूर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। झीलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्नोलॉजी। फ्रेंड्स,
हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और मेरा पिछला वीडियो राज्यपाल से संबंधित नहीं देखा हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।